तो हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं अपने ग्राफिक्स कार्ड की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जो कि मैंने नया नया परचेस करा है। और तुम लोगों की काफ़ी हेल्प रही है इसको परचेस कराने में, खासकर की जसजीत की, उसने जो है काफ़ी डोनेशन दी है जिससे हमारा ये आना काफ़ी संभव हो पाया। और काफ़ी लोग और हैं इसमें इन्वॉल्व, तो सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ, और मे बी शायद मैं इंडिया का पहला व्यक्ति होऊंगा जो शायद इस कार्ड की अनबॉक्सिंग कर रहा है। ये कोई नॉर्मल कंपनी का कार्ड नहीं है जो मतलब आसानी से मिल जाए, ये मैंने बाहर से लिया है अली एक्सप्रेस से, और मुझे पड़ा है 31,750 रुपये का। तो मैं दोबारा से कीमत बता देता हूँ, और मैं इस ग्राफिक कार्ड को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, अगर तुम लोग चेक करना चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। और इसमें जो बेसिकली वीडियो में होगा वो अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा रिव्यू, और फर्स्ट लुक जो भी समझ सकते हो वो समझ लो, थोड़ा सा मैं बता दूंगा। और रही बेंचमार्क्स की बात, ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क्स की बात, तो रही बेंचमार्क्स की बात, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बेंचमार्क्स भी करूं इस कार्ड के, कंपैरिजन करूं या बेंचमार्क जो भी है, कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बेंचमार्क करूं इस कार्ड के, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि बेंचमार्क चाहिए हमें। तो बेसिकली मैं तुम्हें दिखा दूंगा जो भी जैसा भी होगा। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है गाइस अनबॉक्सिंग में, और ये पार्सल मुझे दे रहा है जो है वो रिसीव हुआ है, ठीक है। तुम समझ रहे हो काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है और काफ़ी अच्छा लग रहा है बॉक्स, कहीं से खुला वुला नहीं है अभी, तुम लोग देख लो, पर तुम लोग ये मत कहना कि खुला हुआ है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा होता है तो मैंने यहाँ से सब जो हटा चुका हूँ, ठीक है। तो क्या तुम लोग ना समझ पाओ क्या है क्या नहीं। ये है मेरा नाइफ जिनसे मैं बहुत कुछ करता हूँ। चलिए बिना बकचोदी चालू करें, इसको शुरू करते हैं फाड़ना। ये फाड़ दिया है मैंने, ओ फक, ओके। तो इसके अंदर से इसको साइड में रखते हैं। इसके अंदर से हमें ये एक और बॉक्स मिलता है, इससे उसमें और कुछ नहीं है, इसको फेंकते हैं। तो ये बॉक्स है काफ़ी अच्छे से पैकेज का जो है वो काफ़ी अच्छा पैकेजिंग करी हुई है इसमें। और अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये फाड़ा अब तो ये हमने फाड़ दिया है, अब हम इसको खोल रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी डिटेल दे दूंगा, तुम लोग थोड़े से शॉक होने वाले हो तो उसका ध्यान रखिएगा। ये मैंने फाड़ दिया है, इसको रखते हैं जरा साइड में। और ये है बॉक्स N70 का अपना, मैं भी कंपनी का नाम दिखाने वाला हूँ। सो ये है G4 GTX 1070, और ये आई गेम का वर्जन है। ये मैं बता देता हूँ तुम्हें किस कंपनी का है, ये है कलरफुल कंपनी का है G4 GTX 1070। तो ये है इसका कुछ बॉक्स, और इसमें बता देता हूँ क्या लिखा है। वी आर रेडी, ये और आई गेम ये लिखा हुआ है, अल्ट्रा कुछ करके दे रखा है, और जैसे कि देख सकते हो ये सब लिखा हुआ है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ चाइनीज में लिखा है ये, आई डोंट नो ये क्या होता है, जो भी है। और मैं तुम्हें बता दूँ ये 1070 है, 8GB DDR5, समझ रहे हो तुम लोग। तो इसको खोल देते हैं आप, ओके। अब निकल हो गए। इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है फिलहाल, खाली है, फेंकते हैं इसको। आई डोंट नो कि ये कहाँ से खुलेगा, ओके मुझे मिल गया है कहाँ से खुलेगा। तो ये रहा इसका कुछ बॉक्स जो है खुलने का तरीका, माजिक खुल गया, ओके। सो रेडी फॉर द फकिंग, तो इसको खोलते हैं, हटाते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। ये हमें मिली है कुछ यूजर गाइड, और व्हाट द फक, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि करके। ये हमें मिली है कुछ कलरफुल की है, ग्राफिक कार्ड ऑपरेशन गाइड जो भी है। तो ये पढ़ने का हम पे वक्त नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं पहले से, इसको रखते हैं साइड में। ये मिला है हमें कार्ड, आई डोंट नो ये क्या है, चाइनीज़ में लिखा हुआ तो मुझे नहीं पता, बट मैं इसको रखूँगा जरूर ताकि हमें थोड़ी हेल्प मिल सके बाद में अगर कोई इशू आता है तो, वैसे इशू नहीं आया तो ज़्यादा अच्छा। ये इसके साथ मिली है इसके ग्राफिक ड्राइवर की CD, इसको हम इंस्टॉल करेंगे तो मैं जल्दी से पता लग जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं
इसमें अनबॉक्सिंग ही करने वाला हूँ, तो अभी बस इतने ही। और ये मिले हमें कुछ कनेक्टर्स, समझ रहे हो ना तुम, 6-6 पिन के, वैसे ही हमारे पास हैं, लेकिन अगर जिसके पास नहीं होते हैं तो वो हमारे जो ये है मोलेक्स से कनेक्ट करके तुम ग्राफिक कार्ड्स को पावर दे सकते हो, समझ रहे हो ना तुम लोग। ये है 6, इसमें लगेंगे बेटा 6-6 पिन कनेक्टर, समझ रहे हो तुम लोग। तो ये है, अब निकालते हैं हम अपनी मेन यूनिट जो कि बहुत बड़ी है बहनचोद, देख लो तुम लोग। तो इसको निकालने वाला हूँ मैं, ये बहुत भारी है, निकाल। ओके, तो ये है हमारा 1073 फैन वाला, और तुम देख सकते हो ये लिखा है आई गेम, ठीक है। और यहाँ से इसकी इस तरीके से जो है मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ, यहाँ पे इसका लोगो दे रखा है आई गेम, शायद यहाँ पे कहीं एलईडी भी है, आई डोंट नो कहाँ पर है। यहाँ पे इसके पिन दे रखे हैं 6-6, मतलब 12 जो है वो कनेक्टर लगेंगे इसको चलाने के लिए। पीछे इसकी ब्लैक प्लेट जो देख सकते हो तुम, काफ़ी मस्त है, इसका मैं ये उतार देता हूँ, तुम लोग देख सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ये तुम देख सकते हो ग्राफिक कार्ड है, यहाँ पे इसके हीट सिंक्स वगैरह दे रखे हैं, और ये 3 फैन वाला है जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जो इसकी डिज़ाइन है ना, आई एम लविंग इट। और ज़्यादा कुछ है नहीं खास, ये इसका वो है जिसमें हम मदरबोर्ड में जिसको देते हैं, इसकी ये हटा देते हैं, ये लसन सा हमने निकाल दिया, ये इसकी पिन है, ये ऐसे करके लगेगा। और इसके कनेक्टर्स में आपको कुछ दिखा देता हूँ किस तरीके के हैं। इस ग्राफिक कार्ड में एक फंक्शन है ओवरक्लॉक करने का, जो कि तुम सिस्टम से ना करके डायरेक्ट इस बटन से कर सकते हो, ये टर्बो मोड का बटन है, इसको दबाओगे तो ग्राफिक कार्ड अपने आप ओवरक्लॉक हो जाएगा। अब इसके कुछ जो पोर्ट्स की बात बता देता हूँ, ये है DVI का आउटपुट, उसके बाद ये है HDMI, ये भी है HDMI, ये भी, ये है आपका डिस्प्ले पोर्ट, और ये भी है डिस्प्ले पोर्ट। तो बेसिकली मतलब इसमें 2 डिस्प्ले पोर्ट, 2 HDMI और 1 DVI दे रखा है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, और ये टर्बो का बटन दे रखा है, ठीक है। तो और रिव्यू की बात करूँ तो फिलहाल मैंने, मेरे हाथ में काफ़ी मतलब ये है करीबन 1.3 kg का, समझ रहे हो तुम लोग कितना भारी है, समझ सकते हो तुम लोग। और इसकी फर्स्ट लुक देखने में बहुत औसम है ये। मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ, बेसिकली ये कंपनी जो है अभी इंडिया में है ही नहीं, तो हो सकता है मे भी मैं इंडिया का फर्स्ट हूँ जिसने इसको अनबॉक्स किया है अपने तरीके से, जो भी है। और देखने में लुक बहुत अच्छी है इसकी, इसके साथ आपको बैक प्लेट मिलती है जो काफ़ी कार्ड्स में नहीं मिलती है, और अगर आप मिलती भी है तो आपको काफ़ी सारे जो है पैसे अदा करने पड़ते हैं, तो बेसिकली यही है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि ये 1070 जो है वो SLI भी हो जाता है, ये जो 1070 है ये SLI भी हो जाएगा। तो अगर मैं फ्यूचर में या कभी मैंने, अगर नहीं, मैं वो अपने आप में बता दूंगा तुम्हें जैसा होगा, अगर हम SLI करना भी चाहें तो SLI कर सकते हैं, समझ गए। और फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा तो था बहुत वाव वाली फीलिंग वाला था, मुझे मज़ा आ गया देखने, समझ रहे हो तुम लोग। और कुछ टेक्निकल जो है इसकी स्पेसिफिकेशन है, वो मैं इस वीडियो में तुम्हें यहाँ पे डाल दूंगा, तो देख लीजिएगा। बस यही है अनबॉक्सिंग में, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो आई होप गाइस कि तुम लोगों को अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी, मेरा थोड़ा मूड ख़राब है तो इसलिए मैंने ज़्यादा अच्छी अनबॉक्सिंग नहीं बना पाया हूँ बेसिकली, बट जो भी था मैंने जितना अपना एफर्ट्स डाल सकता था मैंने इसमें डाल दिया। तो कुछ भी अगर कमेंट हो इस ग्राफिक कार्ड के बारे में या कुछ जानना हो इसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और अगर तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी अगर कुछ नहीं मिलता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर दूंगा कमेंट में। तो बस अभी के लिए इतना ही, आई होप कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, और काफ़ी अनबॉक्सिंग्स आने वाली हैं तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ ग्रेट नाइट और पीस आउट। That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Heart broke.